रहा है। क्या हुआ? पीएससी अवैध साधन चल रहे हैं और इसके लिए हम कई जगह जो है थाने में शिकायत भी किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीएससी वाले जो है बहुत धान मचाए हुए हैं, अवैध साधन प्राइवेट गाड़ी लेके जो है आके खड़े करते हैं, सवारियां भरते हैं, हट नुकसान करते हैं, देखो कैसे जाम लगाए हुए खड़े हैं लोग। इसके लिए पुलिस से भी शिकायत की? पुलिस को हमने शिकायत की, पुलिस ने कोई जो है कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं की? क्या इनसे पैसा भी कोई लेता है? पैसा कोई नहीं लेता। तो परिवहन विभाग को आपने सुना है, परिवहन विभाग को बहुत बड़ा चूना लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। और उसके बाद जो है हमने पुलिस को बताया भी, हम यहाँ के मैनेजर हैं, हमारी भी हमारा भी नुकसान हो रहा है, हमने कई जगह बताया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इन पे यहाँ डग्गा मार वाहनों की भारी जो है भरमार है, और इन पे एक शिकायत भी स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा की गई, और ये बयान आप सुनते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस को यहाँ कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझती है, और काफ़ी जो है परिवहन विभाग को भी पलीता लगा रहे हैं ये डग्गा मार वाहन। और यहाँ पे जो मंदिर के सामने स्थानीय चौराहे पर कस्बा रोड पे खड़ी करके उसके बाद मनमानी करते हैं, ठूंस ठूंस कर सवारियाँ भरते हैं, मानक के विपरीत भरते हैं, और उसके बावजूद भी जो है आला अधिकारी आँखों पर पट्टी चढ़ाए हुए हैं, और शायद उनको कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चे सब मंदिर को आते हैं, मंदिर आने में देखे तो सोदे के बच्चे जिससे आवाजाही में बड़ी तकलीफ होती है, और ये मंदिर के गेट के सामने निकल रहे हैं खड़ा करते हुए, बहुत अच्छी अच्छा अच्छा क्योंकि यहाँ पे फप्पियाँ कसते हैं, सोहदे भी खड़े होते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीणों के बयान कैद हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और इनके बयान है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफ़ी सोहदे और मनचले यहाँ पे खड़े होते हैं इन गाड़ियों के, और ये सब नवयुवक ड्राइवर हैं, और डग्गा मार वाहनों की भरमार है, जिससे कि यहाँ पर मंदिर आने जाने वालों को लिए भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, माँ बहनों को, और ये ग्रामीण हैं, आप जागरूक ग्रामीण हैं, ये कई बार इसकी शिकायतें भी हुई लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के आला अधिकारी जो है और स्थानीय पुलिस जहमत नहीं उठा रही इन वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए। और हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय से सीतापुर, और परिवहन विभाग के आला अधिकारियों से, और वाहनों के जो ज़िले के विभागीय अधिकारी उनसे हम उनका ध्यान इंगित करना चाहेंगे। ये ग्रामीण हैं यहाँ के, इन लोगों के बयान हैं कि इन डग्गामार वाहनों पे अगर कार्रवाई नहीं की गई तो किसी न किसी दिन एक बहुत बड़ा यहाँ एक अनहोनी भी हो सकती है, उसके आवाम में समाज में एक दूषित बुराइयां फैल रही हैं जो कि एक दिन बहुत बड़ा जो है वो हो सकता है। ये ग्रामीण हैं और इन लोगों के प्रत्यक्षदर्शी हैं, यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि यही समस्या है, बीच रोड पे खड़ी कर देते हैं वाहनों को अपने, और यहाँ पे मंदिर के सामने आने जाने वालों को, माँ बहनों को और बेटियों को बड़ी तकलीफ होती है, यहाँ फब्बियाँ कसी जाती हैं, वो सोहदे यहाँ इकट्ठा होते हैं, मोबाइल सुनते नज़र आ रहे हैं, और स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी न किसी दिन एक दिन बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक अनहोनी भी हो सकती है, और समाज में बुराइयाँ फैल रही हैं, इस पर जो है स्थानीय पुलिस को और आला अधिकारी विभागीय अधिकारियों को शिकंजा कसने की जो है लोगों ने मांग की है। ये जो वाहन खड़े होते हैं इनसे क्या नुकसान है? अच्छा अच्छा आप लोगों को एक सीन से यहाँ राजस्थानी कस्बा रौसा से रूबरू कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर डग्गा मार वाहनों की काफ़ी भरमार है, जहाँ पे लोग अपनी अतिक्रमण के चपेट पर रोड पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, और काफ़ी डग्गा मार वाहन, और इन पर कोई शिकंजा कसने की वकायत नहीं कर रहे हैं अधिकारीगण। आप लोग देख सकते हैं ये सीने जो देख रहे हैं ये चौराहे पर खड़ी हुई हैं, और ये मारुति वैन है, डग्गा मार वाहन है, क्योंकि किस प्रकार से अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पर ओमनी
और डग्गा मार वाहन काफ़ी हद तक जो है आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से उनकी मनमानी है, सवारियों को मनमानी ठोस ठोस कर भरते हैं और इन पे कोई शिकंजा आला अधिकारी विभागीय अधिकारियों के द्वारा कोई शिकंजा कसने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएँ होने का जो है सबब बन सकता है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर और ये सवारियों से अभद्रता भी करते हैं जब कोई कम पैसे देता है और काफ़ी मनमानी करते हैं और यहाँ पे ये गाड़ियाँ रोड पर खड़ी कर देते हैं मंदिर के सामने और इन गाड़ियों से काफ़ी स्कूल आने जाने वाले छात्रों को परेशानी होती है और यहाँ पे मंचले ओहदे सोहदे फब्बियाँ कसते नज़र आते हैं और इस बात के लिए जो है इसका आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं रोड पर और इतनी मनमानी और इतनी दबंगई इन लोगों की है कि काफ़ी हद तक रोड को खेल लेते हैं और ये मंदिर के सामने जमावड़ा लगाते हैं, काफ़ी जो है ये अपनी मकारी से बाज नहीं आ रहे हैं और इसके लिए जो है आला अधिकारी भी जो है कोई जहमत नहीं उठा रहे हैं, जबकि किसी दिन न किसी दिन एक बहुत बड़ा हादसा होने का जो है खतरा बना हुआ है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं रोड पर बिल्कुल खड़े करके और उसके बाद किस प्रकार से जो है मनमानी करते हैं। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा, और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और डीएम महोदय से कि यहाँ का अतिक्रमण और जो डग्गामार वाहन है इन पे शिकंजा कसने की वकायद संज्ञान में लेते हुए तत्काल करें, अन्यथा जो है कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से रोड पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और उसके बाद रोड पर अगर कोई आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई गाड़ी अगर पास होती है तो किस प्रकार से और कैसे पैदल वाला क्रॉस करेगा, अचानक हादसा होने का खतरा बड़ा हुआ है, मंडरा रहा है स्थानीय कस्बा रेवसा में, लेकिन इन डग्गामार वाहनों पर कोई भी शिकंजा कसने के आला अधिकारी जो है जहमत नहीं उठा रहे हैं, आए दिन जो है काफ़ी जो है इसी प्रकार से यहाँ रोड पर खड़ी करके उसके बाद यहाँ पर जो है मनमानी करते हैं और ठूँस ठूँस कर सवारियाँ भूसे जैसी भरते हैं। और जब इनसे कोई जो है रोड पर बात करता है तो काफ़ी उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, इस प्रकार से इनकी मनमानी और गुंडागर्दी यहाँ पे जो है हावी है। परिवहन विभाग भी जो है जबकि जो परिवहन विभाग है उसको काफ़ी पलीता लगाया जा रहा है, इन सवारियों से भारी भरकम नुकसान होना होता है, ये सीने हैं आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से परिवहन विभाग को पलीता लगाया जा रहा है। यह स्थानीय कस्बा रेवसा मंदिर के सामने की सीने हैं जहां पर डग्गामार वाहनों की भरमार है, काफ़ी भरकम है, जहां पे आला अधिकारियों के द्वारा इन पर कोई जहमत नहीं उठाई दी जा रही है कार्रवाई करने की और आए दिन मंदिर के सामने इन गाड़ियों से जो है स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं और यहाँ पे सोहदे और मंचले खड़े होकर के जो है मोबाइल बजाते नज़र आते हैं और हब्बियाँ कसते नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ की स्थानीय पुलिस भी इस तरफ कोई ध्यान आकर्षित नहीं हो करती है और अगर यही रहा तो मामला किसी न किसी दिन एक बहुत बड़ा जो है यहाँ बन के तैयार होगा और हादसा भी हो सकता है और यहाँ पे जो फब्बियाँ कसते नजर आते हैं इन पे भी बड़ा हो सकता है। ये मंदिर के सामने की सीने हैं जबकि यहाँ पे स्थानीय कस्बा रेवसा में ये डेली का नियम है, यहाँ पे कोई पहली बार नहीं है और आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी भी जान खतरे में डाल करके उसके बाद ठूस ठूस मानक से अधिक सवारियाँ जो है लादते हैं। I'm going to lie to the Lord of the Lord.